मैं शुभम जैन स्वागत करता हूँ आपका आरबी चैनल में। लास्ट सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला याद किए थे, हायर फॉर्मूला याद किए थे, जिसमें 32 फॉर्मूलाज मैंने आपको याद करने को कहा था। मैंने सारी डेरिवेशन भी बताई थी आपको, कैसे फॉर्मूलाज बने वो, और आपको उसे याद करने के लिए कहा था। और उम्मीद करके बैठा हूँ मैं आपने वो सब चीज़ें याद कर ली होंगी। ठीक है, अगर वो याद कर लिए होंगे फॉर्मूला तभी आज का सेशन आपको समझ आएगा, वरना आज का सेशन आपकी समझ से बाहर जाने वाला है। और जो वो फॉर्मूला मैंने कराए थे उस पर बेस्ड एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मैं 2017 मेंस के अलग से सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के, तब भी मैं आपको एक बार इन फॉर्मूला से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कराऊंगा ही। ठीक है, आज मैंने कुछ 16 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 16 के 16 अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छा रखा है मैंने इस टाइम पे। ठीक है, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना हायर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से अपने नोट्स बनाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको वैल्यू बतानी है साइन 18 डिग्री की। ठीक है, छोटी क्लासेस में अगर आपके पास 11th में रही होगी ट्रिग्नोमेट्री तो आपने ये क्वेश्चन करे होंगे। साइन 18 डिग्री की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालोगे आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले आपको पता है 90 डिग्री क्या होता है। 90 डिग्री होता है आपका 18 इंटू 5। ठीक है, 90 डिग्री 18 इंटू 5 होता है, तो 18 डिग्री को क्या मान लूँ फिलहाल मैं, अगर थीटा मान लूँ तो 5 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। 5 थीटा को दो पार्ट में और ब्रेक कर दिया, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा की अगर मैं बात करूँ ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा की। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूँ तो यहाँ साइन 2 थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। और कोस 3 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे एज इट इज लिखा। कोस 3 थीटा होता है आपका 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे कोस थीटा दोनों साइड से कट जाएगा, तो आपके पास आया 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये 2 साइन थीटा ये हो जाएगा आपके पास 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस 3। इधर ले जाओगे आप तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और यहाँ पे -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू -1 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास +16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 18 डिग्री क्या है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन 18 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आई। तो आप यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2 प्लस माइनस यहाँ पे 4 प्लस 16 20 हो गया, तो उसे 2√5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसे थोड़ा और खोलेंगे तो -1 प्लस -√5 / 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है √5 क्या है, बड़ा है -1 से। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू तो आपकी साइन थीटा की हो सकती है -1 - √5/4 और दूसरी वैल्यू हो सकती है -1 + √5/4। इस केस में आप देखोगे जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू जा रही है, लेकिन साइन क्या है हमारा 18, साइन 18 क्या होता है, पॉजिटिव, हमें पता है, तो ये वाला तो केस हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 + √5/4। साइन 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास √5 - 1/4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगी। एग्जाम में आपसे अगर साइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछ ली गई तो आप ऐसे निकाल सकते हो। बाकी मैंने आपको कहा था कि कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, 30, 45, 60, 90, 0 इन पे तो मैंने याद कराई दी थी आपको, लेकिन आपको ये वैल्यूज और याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। 2017 मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज पता होती तो आपका आंसर जल्दी निकल जाता। साइन 15 की वैल्यू याद रख लेना, ये होता है √3 - 1/2√2। ठीक है, ये साइन 15 है तो ये किसके और बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा साथ के साथ कोस 75 के। ठीक है, साइन 15 और कोस 75 की ये वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह साइन 75 की वैल्यू है √3 + 1/2√2 और यही वैल्यू हो जाएगी आपकी
कॉस 15 डिग्री की भी, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू है अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी कॉस, साथ के साथ कॉस 67.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ये, साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4 अभी निकाल के दिखाई मैंने आपको, साथ ही साथ ये कॉस 72 डिग्री की वैल्यू भी हो जाएगी, साइन 54 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4, ये साथ के साथ डिग्री वैल्यू हो जाएगी कॉस 36 डिग्री की भी, ठीक है, साइन 36 डिग्री की ये वैल्यू होती है तो ये कॉस 54 डिग्री की भी वैल्यू हो जाएगी, साइन 72 डिग्री ये हो जाएगा रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4, ये हो जाएगी साथ के साथ कॉस 18 डिग्री की वैल्यू, टेन 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, तो कॉट 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस रूट 3, टेन 75 डिग्री की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, तो ये कॉट यहाँ पे कॉट है तो ये कॉट 15 डिग्री की भी हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू याद कर लेना, कहीं पर डायरेक्टली इन वैल्यूज पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अगर याद होंगी तो कुछ सेकंड्स में आप निकाल लोगे, अभी तो आपकी मेहनत लगेगी यहाँ पे 10-15 मिनट आपको लगेगी ये वैल्यूज याद करने में, लेकिन एक बार याद हो गई ना और एक भी एग्जाम में क्वेश्चन पे बेस्ड आ गया तो आप अपनी एक मिनट बचा लोगे एग्जाम में, और एक मिनट बचाने का मतलब दो नंबर बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, तो ये याद कर लेना वैल्यू। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताए थे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा के, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है 1/4 कॉस 3 थीटा के, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा किसके बराबर होता है टेन 3 थीटा के, ठीक है, लास्ट सेशन में ये बता दिया था मैंने आपको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता है, साइन 20 की वैल्यू नहीं पता, 40 की वैल्यू नहीं पता, 80 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें देखेंगे तो थीटा अगर हमें यहाँ पे 20 मान लो तो 60 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 40, और 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 80, ठीक है, तो ये तीनों एक रिलेशन बना रहे हैं, वही रिलेशन हमें यूज करके अपना आंसर निकालना है, तो साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 को एक साथ लिख दिया और ये हो जाएगा आपका इंटू में साइन 60, ठीक है, लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा 20 है तो साइन 60 हो गया इंटू में साइन 60, ठीक है, तो 1/4 साइन स्क्वायर 60 आ गया, साइन स्क्वायर 60 1/4 साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4 इंटू 4 3/16 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉस 10 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस 50 इंटू कॉस 70 इसकी वैल्यू बतानी है, तो आपको पता है यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है तो इसे एज इट इज लिख दिया कॉस 30, यहाँ पे 10 यहाँ 50 और यहाँ 70, अगर थीटा में 10 मान लूँ थीटा 10 मान लिया तो ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा और ये हो जाएगा 60 प्लस थीटा, ठीक है, और इन तीनों को अगर एक साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 कॉस 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, तो कॉस 3 इंटू 10 30, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/4 कॉस 30 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 इंटू 4 इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 3/16, क्लियर ये चीज। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास साइन पाई बाय 9 साइन 3 पाई बाय 9 साइन 5 पाई बाय 9 साइन 7 पाई बाय 9, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है, अगर आपके माइंड में ये क्लिक कर गया 180 डिग्री के बराबर पाई होता है तो क्वेश्चन कर लोगे, अगर एक टाइम पे आपको क्वेश्चन देखते ये ध्यान नहीं आया कि पाई को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में आप थोड़ा फंस जाओ, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दो, ठीक है, तो अब हमने क्या करा, साइन पाई बाय 9 है, ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 बाय 9 कितना हो जाएगा साइन 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन, ठीक है, यहाँ पे तीन गुना हो रहा है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन 100 डिग्री और ये हो जाएगा आपके पास साइन 140 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है, साइन 60 की तो वैल्यू पता है आपको, साइन 100 की वैल्यू नहीं पता, साइन 140 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, अगर थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा की फॉर्म हो तो हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, साइन 20 लिखा इधर, साइन 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 100 है हमारे पास, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 100,
क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और यहाँ पे 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के आसपास कोई भी चेंज नहीं होता, एंगल सेम रहता है, फंक्शन भी सेम रहता है। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 100। अगर मैं साइन 100 को लिख दूंगा तो ये साइन 80 के बराबर आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह से साइन 140 किसके बराबर हो जाएगा? साइन 140 हो जाएगा साइन 180 माइनस 40, ठीक है? तो ये साइन 40 के बराबर आ जाएगा, क्लियर? अब यहाँ पे इंटू में साइन 60 था हमारे पास, वो एज इट इज लिख दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे थीटा का 20, तो ये 40, ये अगर थीटा हमारा, तो ये 60 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया, 60 प्लस थीटा हो गया। तो हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 1/4 साइन 3 इंटू 20 इंटू साइन 60, ठीक है? ये 1/4 हो गया, ठीक है? साइन स्क्वायर 60 आ जाएगा, ठीक है? जो लास्ट दो क्वेश्चन में बना था वही बन रहा है यहाँ पे फिर से, 1/4 √3/2 का होल स्क्वायर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/16 इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा, क्लियर ये चीज़, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन था, चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos 12, cos 24, cos 36, cos 48, cos 60, cos 72, cos 84, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले पेयरिंग ही देखते हैं, ठीक है? जो हमें फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से पेयरिंग करेंगे। यहाँ 12 देखा हमने, यहाँ 48 देखा, और यहाँ पे 72 देखा, ठीक है? ये दोनों तीनों पेयर बना रहे हैं, तो पहले इन तीनों को एक साथ लिख दिया, cos 12, cos 48, और यहाँ पे लिख दिया cos 72, ठीक है? इन तीनों को एक साथ लिखा, इनटू cos 60 की वैल्यू हमें पता ही है, तो इसे अलग से करने की जरूरत नहीं है, cos 60 लिख दिया, ठीक है? तो ये चार चीज़ें हट गई। अब हमारे पास क्या बचा, cos 24, cos 36 और cos 84, ठीक है? cos 24, cos 36 और cos क्या बचा, cos 84 बचा, ठीक है? आपको यहाँ पे तो दिख गया, ये तो तीनों पेयर बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, cos 12 इंटू cos 48 इंटू cos 72। अगर मैं इसे थीटा मान लूँ, ये 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 cos 3 थीटा, तो मतलब cos 36, ठीक है? यहाँ से cos 36 मिल गया, इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी रख दी हमने, इंटू यहाँ पे cos 24 है, यहाँ पे cos 36 है, और यहाँ पे cos 84 है, ठीक है? तो यहाँ पे 1/8 आ गया आपके पास, इंटू में cos 24, cos 84, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos 36 इंटू cos 36, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखोगे ये भी तो एक पेयर बना रहे हैं। अगर थीटा आपका 24 हो गया, ठीक है, ये हो गया 60 प्लस थीटा और ये हो गया 60 माइनस थीटा, ठीक है? यही बन रहा है, ठीक है? इन तीनों ने पेयर बना दिया फिर से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 1/4 इंटू cos 24 इंटू 3 इंटू cos 36, ये हो गया 1/32 इंटू cos 24 इंटू 3 cos 72 इंटू cos 36, इतना हो गया आपके पास। अब ये 1/32 इंटू cos 72 है यहाँ पे, और यहाँ पे cos 36 है। अभी कुछ देर पहले कुछ वैल्यू याद करने को कहा था मैंने आपसे, ठीक है? तो वो वैल्यूज अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप पुट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। कोस 72 कितना हो जाएगा, साइन 18 के बराबर। साइन 18 की वैल्यू क्या निकाली थी, √5 - 1/4। इसी तरह हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी कोस 36 की, मैंने आपको वैल्यू बताई थी। कोस 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 + 1/4। ये कोस 36 की वैल्यू होती है, यहाँ पे आपने पुट करा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/32 इंटू यहाँ पे 5 - 1/4 इंटू 4 × 4, ठीक है? ये आपके पास बचेगा, यहाँ से 4 से 4 कट गया, 1/32 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 1/128, 1/128 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54, ठीक है? इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे 12 और 48 तो हमारा रिलेशन में आ रहा है, लेकिन 54 हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे ये भी देख लो। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे साइन 12 दे रखा है आपको, साइन 48 दे रखा है, और यहाँ पे साइन 54 दे रखा है,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, साइन 72 से, क्योंकि हमें साइन 72 की ज़रूरत है जब भी हमारा फॉर्मूला बन पाएगा। ठीक है, साइन 72 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिया मैंने 12 है, ये वाला लिया और ये वाला लिया, इन तीनों को लेके अगर मैं बनाऊँ तो ये 1/4 साइन 12 इंटू 3 तो साइन 36 दे देंगे, इंटू साइन 54 है यहाँ पे हमारे पास, डिवाइडेड बाय साइन 72 है। ठीक है, अब साइन 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर 1/4 साइन 54 कोस 36 के बराबर होगा, तो ये साइन 36 हो जाएगा और यहाँ पे ये कोस 36 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे नीचे साइन 72 है तो इसे 2 साइन 36 कोस 36 लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, ये से ये कट गया, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज़। ठीक है, इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको अपना दिमाग थोड़ा लगाना ही पड़ेगा वरना क्वेश्चन नहीं होंगे सोल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 1/sin 10 माइनस √3/cos 10। ठीक है, क्लास 11th में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। ठीक है, तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप वैल्यू नहीं एज्यूम कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो आपको बेसिक तरीके से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे साइन 10 हुआ, कोस 10 आ गया, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, कोस 10 माइनस √3 sin 10। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब ये तो कोई फॉर्मूला ऊपर वाला तो बना नहीं रहा, ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं, तो मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे क्या कर दूं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने क्या करा, यहां पे 2 से यहां मल्टीप्लाई करा और यहां पे 1/2 cos 10 माइनस √3/2 sin 10 कर दिया, डिवाइडेड बाय sin 10 cos 10। अब इसका फायदा क्या मिला, अब आप यहां पे देखोगे 1/2 हमें एक वैल्यू पता होती है, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है आपका कॉस 60 के बराबर, और यहाँ पे √3/2 क्या होता है, साइन 60 के बराबर। अब ये वैल्यू पुट करके हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, वो देखो आप, ये हो जाएगा 2, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 को साइन कॉस 60 और इंटू में कॉस 10 माइनस साइन 60 इंटू में साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 10 और ये हो जाएगा कॉस 10, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ये फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, और ये किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी के, तो ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा 60 प्लस 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 10 कोस 10। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यों करा है? ये आपको थोड़ी देर में दिखेगा। यहाँ पे 4, अभी ये कॉस 70 बन गया, कॉस 70 को साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 20 बन जाएगा। ठीक है, साइन 20 बन गया ऊपर, नीचे 2 sin 10 cos 10। ठीक है, 2 cos θ sin θ किसके ऊपर इक्वल होता है, साइन 2θ के इक्वल होता है, तो ये भी नीचे क्या बन गया, साइन 20 बन गया, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 8 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सॉरी 4 आ गया। ठीक है, ये 4 बचेगा, 4 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 1/2 cosec 10 माइनस 2 sec 70, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसे 1/2 sin 10 माइनस 2 sin 70 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो 2 sin 10 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे साइन, ये 10 है साइन 10 और यहाँ पे साइन 70। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये हो जाएगा 1 माइनस 2 into 2 sin 10 sin 70 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 sin 10। आपके पास एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था 2 sin A cos B क्या होता है, ये होता है आपके पास cos A - B माइनस cos A + B। ठीक है, यहाँ पे ए क्या होता है, ए बड़ा होता है, बी छोटा होता है। ठीक है, ये पुट कर देंगे 1 माइनस 2 यहाँ पे cos A - B 70 - 10 60 यहाँ पे माइनस, फिर cos A + B ये हो जाएगा 80। ठीक है, cos 80 आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 2 sin
ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 कॉस 60 माइनस कॉस 80। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 माइनस कॉस 80 डिवाइडेड बाय 2 साइन 10। ठीक है, सोल्व करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस 80 डिवाइडेड बाय 2 साइन 10। ये आपके पास हो जाएगा, ये कट गया, 2 cos 80 बचेगा, cos 2 cos 80 को 2 sin 10 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 sin 10 और आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे तो नहीं कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें वैल्यू बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अभी एक दो लेक्चर पहले भी मैंने आपको कराए थे। ठीक है, जब मैंने बताया था आपको पेयरिंग किस तरह से करनी है बस, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन चेंज है, वहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे इस केस में कैसे करेंगे वो देखो आप, यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय 8 है, यहाँ पे 1 पाई बाय 8 लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8 है। तो पेयरिंग का तरीका वही रहेगा, 1 प्लस 7 8 बन रहा है, यहाँ पे 8 यहाँ पे 8, तो ये दोनों एक पेयर बना देंगे, और यहाँ पे 3 और 5 8 बना रहे हैं, और यहाँ पे 8 यहाँ पे 8, तो ये दो पेयर बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो इन्हें कैसे पेयर करोगे आप, इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब इतना हो गया, अब साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाय 8, तो पहले यहाँ पे एडिटिज आया, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 है, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 8। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये लिख दिया, अब फायदा क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 है, और ये भी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8, हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, बहुत बार बताया ये चीज़, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन की पावर 4 पाई बाय 8। ठीक है, क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बचेगा, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8। अब यहाँ पे है साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8। ठीक है, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आपको पता है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 8 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, इसे सोल्व करोगे तो ये दे देगा आपको कॉस यहाँ पे 4 पाई माइनस 3 पाई, ये बचेगा पाई और नीचे बचेगा 8, और ये बराबर हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 8 के। ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, तो इसे रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन की पावर 4 पाई बाय 8 इंटू यहाँ पे कॉस की पावर 4 पाई बाय 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर 4 हटा दी, इसकी होल पावर 4 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ भार 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड कर दूँ कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने जो ये भार 16 से डिवाइड करा है, ठीक है, इसे डिवाइड रहने देता हूँ, जो मल्टीप्लाई करा था 16 को उसे अंदर ले जाऊँ तो अंदर 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता, तो यहाँ पे ये बन गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास क्या है, 1 बाई 16 2 साइन थीटा, कोस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 2 पाई बाय 8 और अंदर बचेगा आपके पास साइन पाई बाय 4 का होल पावर 4। तो ये 1 बाय 16 है आपके पास, साइन पाई बाय 4 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई 16 इंटू 1 बाई 4 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई 64। ठीक है, 1 बाई 64 इसका सही आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन तब होंगे आपसे इतनी कम टाइम में जब आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम लगाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपने डायरेक्टली देखा यहाँ पे ये पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, पेयर बनाने के बाद यहाँ तक पहुँचोगे आप, यहाँ पे पहुँचने के बाद डायरेक्टली आपको पावर 4 है तो 16 नीचे लेना पड़ेगा, अंदर 2 जाएगा, और वो मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच के
30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड से भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं। अगर पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो तो नो डाउट आपको 2 मिनट लगेगी लगेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, जो चीजें सीख रहे हो उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1021 डिग्री प्लस 1039 डिग्री प्लस √3 1021 डिग्री 1039 डिग्री, आपको वैल्यू बतानी है इसकी, इन चार ऑप्शन में से क्या वैल्यू हो सकती है। अब आप देखोगे यहाँ पे √3 1 0 और √3/2, ठीक है, जानी पहचानी वैल्यू है सारी की सारी। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ 21 है और यहाँ 39 है, 21 और 39 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू आपको मिल रही है जो आपको पता हो कि उसकी वैल्यू आपको पता है। 21 प्लस 39 क्या होता है, 60 होता है, और आपको पता है 1060 की वैल्यू आपको पता होती है। तो यही एक रिलेशन हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे 21 यहाँ पे 39, तो यहाँ पे 1060 का रिलेशन हमें कुछ समझ आ सकता है कि 1060 में कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 1060 में मान लो यहाँ पे 1060 को मैं क्या लिखता हूँ, 10, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1060 को 1021 प्लस 39 लिख सकता हूँ, ठीक है। 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया तो 1021 प्लस 1031 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1021 1039 है ये, ठीक है, 1039, ठीक है, ये आ गया। 1060 की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल्स टू 1021 प्लस 1039 अपॉन में 1 माइनस 1021 1039, इतना दिख गया। अब आपको यहाँ पे आंसर दिखने लग गया होगा अपना, क्योंकि यही कुछ ना कुछ यही चीजें पूछी गई है, 1021 1039 √3 1021 1039, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आया √3 माइनस √3 1021 1039 इक्वल्स टू 1021 प्लस 1039, ठीक है। तो ये उधर ले जाओगे आपके पास आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 1021 प्लस 1039, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस √3 1021 1039, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा √3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको फ्रेम करने के लिए जाए कहा जाए साथ के साथ, तो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी घटा दूँ बढ़ा दूँ, यहाँ पे 21 की जगह मैं लिख दूँ 1019, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1039 की जगह 1041 कर दूँ, ठीक है, प्लस √3 1041 की वैल्यू आपसे पूछ लूँ तो क्या होगी, तो आप कहोगे सर इस केस में भी वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, √3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ भी घटाया और यहाँ पे कुछ भी बढ़ाया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का सम क्या है 60, ये मैटर करेगा। इसे आज आप प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, लेकिन कहाँ तक प्रॉपर्टी याद रखोगे, तो इसे बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेना एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 का क्वेश्चन है, साइन 75 प्लस साइन 15, इसकी वैल्यू बतानी है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि कुछ वैल्यू जो आप याद रख लेना, जैसे कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई थी याद रखने के लिए। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए, ठीक है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू थी √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। साइन 15 की वैल्यू क्या थी, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। ये दो वैल्यू याद करने के लिए कहा था, अब ये हमें जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। अगर हमें ये वैल्यू पता होगी तो एक सेकंड में आंसर हो जाएगा हमारा। साइन 75 क्या था, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। साइन 15 क्या है, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, ठीक है, ये √2 है। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 2√3 अपॉन में 2√2, और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वैल्यू पता है तो डायरेक्टली आपने आंसर निकाल लिया, वरना बेसिक तरीके से तो आप कर ही सकते हो। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब 75 प्लस 15 बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, 75 माइनस 15 बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला भी पढ़ाया है। तो 2 इंटू साइन 90 बाई 2 साइन 45, और ये हो जाएगा कॉस 30, ठीक है। 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये कट गया, आपके पास क्या आंसर बचा, √3/2, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है तब भी, ठीक है। ये तो सिंपल था, लेकिन अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता तो शायद आपको वैल्यूज पता होती तो आप कम टाइम में कर पाते। क्वेश्चन में हमें देखा 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, आपको वैल्यू बतानी चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एंगल है, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर एंगल दे रखा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस 2 इंटू
पाई बाय फोर प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस पाई बाय टू प्लस टू थीटा के बराबर। ठीक है, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा तो माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पाई बाय टू है तो मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री है, तो यहाँ साइन आ जाएगा और यहाँ पे टू थीटा आ जाएगा, माइनस साइन टू थीटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 15। डायरेक्टली ये भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है ये किसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कल फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा का ही फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ पे कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस टू थीटा हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी कॉस टू इंटू 15 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू, ऑप्शन नंबर टू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है कॉट एक्स माइनस टेन एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू मान के भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके मैच कर जाएं। ठीक है, मैं बेसिक तरीके से आपको एक बार बता देता हूँ कि बेसिक तरीके से आप कैसे करोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोट एक्स माइनस टेन एक्स दे रखा है, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाय साइन एक्स माइनस, यहाँ पे टेन एक्स है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, बेसिक तरीके से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में प्रॉपर्टीज बताई थी, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो रही हैं। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, ये आपका बराबर होता है कोस टू एक्स के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोस टू एक्स और नीचे बचा साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स है कोस एक्स है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे टू ऊपर भी आ गया और नीचे आके बच जाएगा ये साइन टू एक्स। ठीक है, कोस टू एक्स अपॉन में साइन टू एक्स, ये हो जाएगा आपके पास टू इंटू कोट 2x। क्वेश्चन में आपको दे रखा है अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कोस 8x, इसकी वैल्यू बतानी है, चार ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कोस 8x, कोस 8x को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 2 इंटू 4x। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, वन प्लस कॉस टू थीटा किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, यही यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास ये वन प्लस कॉस टू थीटा है, मतलब यहाँ पे थीटा क्या है 4x, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू इंटू, यहाँ पे बचेगा टू कोस स्क्वायर 4x। ठीक है, ये बचा, इसे फर्दर सोल्व करोगे आप, यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर 4x बचेगा, बाहर निकालोगे रूट से तो आपको मिलेगा यहाँ पे अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कोस 4x। ठीक है, इसे फिर फर्दर सोल्व करोगे आप, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लिया, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x होगा। ठीक है, यही बचेगा। ठीक है, ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, आगे सोल्व करोगे 2 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x के बराबर। क्लियर, फिर फर्दर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बाहर निकल के बचेगा 2 कॉस 2x, फिर अंडर रूट 2 को मान लिया 1 प्लस कॉस 2x आएगा और ये आपके पास बचेगा अंडर रूट 2 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से रूट के अंदर है 4 कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 कॉस एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, टेन इक्वल्स टू 1 बाय 2, टेन बी इक्वल्स टू 1 बाय 3 और आपको कॉस 2a की वैल्यू बतानी है।
ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे टेन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस टू ए की वैल्यू पूछी गई है, तो आप कहोगे सर बी क्यों दे रखा है, टेन बी की वैल्यू यहाँ पे क्यों दे रखी है 1/3। इसका रीजन ये है कि जो आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में बी दे रखा है आपको, तो बी की टर्म में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे टेन ए 1/2 दे रखा है आपको, कॉस टू ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा मकसद होगा कॉस टू ए की वैल्यू निकालना, कि कॉस टू ए की वैल्यू निकाली जाए। कॉस टू ए की वैल्यू निकालने से पहले हमें टेन टू ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर हम डायरेक्टली टेन ए से, टेन ए 1/2 दे रखा है, कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी आपके पास, बेस तो आपका एज इट इज क्या है, टू है, तो बेस तो यहाँ पे टू आ गया, और हाइपोटिनियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2² + 1, ये हो जाएगा 5। कॉस ए की वैल्यू आपको मिल गई 2/√5। कॉस टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos² a - 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2/√5² - 1, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 4/5 - 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/5 - 1। ठीक है, तो 3/5 आपके पास ये बचेगा। ठीक है, कॉस टू ए की वैल्यू 3/5 बचेगी आपकी। अब यहाँ पे आपको टेन बी दे रखा है 1/3, और चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, टेन बी की वैल्यू 1/3 दे रखी है, तो साइन बी पहला आपका ऑप्शन है, साइन बी। साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, साइन बी की वैल्यू हो जाएगी 1/√3² + 1² √3² + 1², तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√10। ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो आपका कट हो गया। अब बात आती है साइन टू बी की। ठीक है, साइन बी की वैल्यू इतनी आ गई, साइन टू बी की वैल्यू कितनी होगी, साइन टू बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 sin b cos b। ठीक है, 2 × sin b की वैल्यू आई थी आपके पास 1/√10। कॉस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन बी की वैल्यू, टेन बी की वैल्यू आपके पास 1/3 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस हमने निकाला था अभी, √10 आ जाएगा हाइपोटेनियस निकालोगे, तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 3/√10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6/√10, 6/10 सॉरी। ठीक है, √10 × √10, 6/10 आपके पास यहाँ पे बचेगा, 6/10 क्या होता है, 3/5। तो आपका ये मैच कर रहा है, साइन टू बी की वैल्यू मैच कर रही है कॉस टू ए की वैल्यू से, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास SSC CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन है, कॉस 15 माइनस कॉस 165 डिग्री की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कॉस 165 डिग्री किसके इक्वल होगा। कॉस 15 तो एज इट इज लिखा, माइनस कॉस 165 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 - 15। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब कॉस की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो कॉस 15 माइनस, माइनस साइन बाहर लिया फिर से, और यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि 180 डिग्री है, 180 डिग्री के आसपास फंक्शन चेंज नहीं करता, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 15। ठीक है, दो माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, कॉस 15 प्लस कॉस 15, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 cos 15। अब मैंने आपको कहा था कॉस 15 की वैल्यू याद कर लेना, साइन 75 की वैल्यू याद कराई थी आपको, और वही कॉस 15 की वैल्यू भी होगी। साइन 75 की वैल्यू क्या थी आपके, √3 + 1/√2। ठीक है, तो ये कॉस 15 की वैल्यू भी होगी, और इंटू में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आपके पास आ जाएगा √3 + 1/√2। ठीक है, कोई भी चीज़ याद करने को कहता हूँ तो जबरदस्ती याद करने को नहीं कहता, मुझे पता है उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, या आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं, तभी मैं आपको वैल्यू याद करने को कहता हूँ, फालतू में रटवाने का कोई मेरा मकसद नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन से चेक करोगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जा रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।